मनमीत बिंद्रा अते इन्हां दे सारे स्टाफ जिहड़े 30 तो ज़्यादा सीगे इन्हां ने साडे ते अटैक किया हथियारां नाल। श्रीमान SS बिंद्रा ने कहा अपने कोल 2000 एकड़ जगह है, दो चार बंदे आपां मार भी देवांगे तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा। लुधियाणा दे एक निजी होटल च हंगामा होया है। बारियां दी मीटिंग चल रही सी होटल दे विच ते इस दौरान हंगामा हो जांदा, झगड़ा हुंदा, झगड़े दी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल हो जांदी है। लुधियाणा दे निजी होटल दे विच बीते दिन हंगामा होया, दस्सिया जा रहा है कि कारोबारियों की मीटिंग चल रही थी उसे वेले हंगामा हो गया। होटल प्रबंधकों ते कारोबारियों विचाले किसी चीज़ से मतभेद हुंदा, उस तो बाद बहसबाजी चालू हो जाती है ते फिर दोवां धिरां दे विचाले हथोपाई की नौबत आ जाती है। इस हथोपाई विच दस्सिया जा रहा है कि कई व्यापारी जख्मी हो गए ने जिन्हां नूं सिविल हस्पताल लुधियाणा विच दाखिल करवाया गया, जिस तो बाद पुलिस ने होटल प्रबंधकों के खिलाफ 307 ते कई होर संगीन धाराओं तहत परचा दर्ज कर लिया है। इस बारे व्यापारियों का की कहना है आओ सुनते हैं। अनिरुद्ध गर्ग नाम है जी मेरा। असी 29 तरीक फ्राइडे नूं बकलावी रेस्टोरेंट जिहड़ा नहर ते है इहदे च एक अपनी इन्वेस्टर मीट रखी सी। इस इन्वेस्टर मीट दे खत्म हुंदे हुंदे इस रेस्टोरेंट दे ओनर जिहड़े टाउन प्लानर है बठिंडा दे SS बिंद्रा, इन्हां दे मुंडे गुरकीरत बिंद्रा ते मनमीत बिंद्रा अते इन्हां दे सारे स्टाफ जिहड़े 30 तो ज़्यादा सीगे इन्हां ने साडे ते अटैक कीता हथियारां नाल। गुरकीरत बिंद्रा ने साडे उत्ते पिस्तौल भी तानी ते इन्हां तिन्हां बंदियां ने सानू बोतलां नाल शराब दियां जिहड़ी ग्लास दियां बोतलां है उन्हां नाल डंडियां नाल तलवारां नाल साडे ते अटैक कीता। असी बहुत ही मुश्किल नाल अपनी जान बचा के भज्जे। जांदे जांदे मैनू याद है कि श्रीमान SS बिंद्रा ने कहा अपने कोल 2000 एकड़ जगह है, दो चार बंदे आपां मार भी देवांगे तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा। असी बड़ी मुश्किल नाल इत्थों बच के निकले हाँ जी। असी इत्थों सीधा DMC हस्पताल गए जिथे जाके साडी गुंजियां सट्टां नाल ते दा डॉक्टरां ने इलाज किया। मेरा दोस्त करण गोयल जिहदे स्कल च फ्रैक्चर आ गया है, उहदे 7 तो ज़्यादा टांके लगे। मेरे फादर इन लॉ दी पिट तोड़ दी गई। साडे अंकल जो कि एक बहुत ही नामचीन साइकिल मैनुफैक्चरर ने उन्हां दी खब्बी बांह तोड़ दी गई। मेरे आप दे गर्दन ते दो वार लोहे दी छड़ नाल अटैक किया गया ते मेरी गर्दन तोड़ दी गई। मेरे फादर साहब जिन्हां नूं इन्हां ने टारगेट बनाया उन्हां ते घट्टो घट 3 वार इन्हां ने लोहे दी छड़ नाल अटैक किया ते 2 वार गुरकीरत गरेवाल ने गुरकीरत बिंद्रा ने शराब दियां बोतलां नाल अटैक किया। पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की थी? कोई कार्रवाई इस मामले की थी पुलिस ने? पुलिस की कार्रवाई इनिशियली बहुत अच्छी सी। इन्होंने साड़ी जख्मां नूं देख के ते डॉक्टर दे एनालिसिस नूं देख के परचा दर्ज किया 307 का 323 का एंड आर्म्स एक्ट का। बट ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ
सराभा नगर विच अज दे डेट विच खुले घूमदे 307 दे परचे दे बाद दिखाए दिते गए। की मांग करदे हो प्रशासन तो? मैं प्रशासन तो मांग करदा हाँ कि अपने साडे अरगे नागरिकां नूं इंसाफ दिता जाए, इन्हां नूं जल्दी तो जल्दी अरैसट किया जाए तो माननीय कोर्ट के सामने हाजिर किया जाए। मैं मुख्यमंत्री पंजाब ते DGP पंजाब नूं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सानू सिक्योरिटी दिती जाए, इन्हां नूं जल्दी तो जल्दी अरैसट किया जाए। डर का माहौल पैदा हो गया है, साढ़े बच्चे घर तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, असी हस्पताल च कैद होए हुए हैं। जी मेरा नाम आयुष जैन है। कल हमने एक सक्सेस पार्टी अपनी कंपनी की दी थी बकलावी करके, एक रेस्टोरेंट है साउथ सिटी कैनाल रोड पर। तो रात को जब सारा पार्टी ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद जब हम बिल्स का सेटलमेंट कर रहे थे तो जो मैनेजर थे वो बहुत ही एक्सट्रीम रूड थे, मतलब गालियाँ दे रहे थे हमारे पूरे सबको। जब हमने बोला कि आपने किस हिसाब से काउंटिंग की है, किस हिसाब से प्लेट्स प्लान की हैं, तो कहते जी हमारे पास कोई काउंटिंग नहीं, हमारा कोई बंदा नहीं, बट आपको इतना ही देना पड़ेगा नहीं तो आपको बाहर नहीं जाने देंगे। उसके बाद जब उन्होंने अपने स्टाफ जो भी मैनेजर या जो भी उनके बेड बच्चे हैं जो ओनर के, उनको बुलाया तो उन्होंने अपनी गन निकाल ली। फिर उनके स्टाफ ने जो बॉटल्स होती हैं अल्कोहल की, बॉटल्स निकाल ली, स्टील रॉड्स निकाल ली। बड़ा अनलाइकली है, मतलब किसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। बट लिटरली हमें पहले तो लॉक कर दिया गया, बंदी बना दिया गया, फिर सबको मारा गया। और उसके बाद जब हम भागे जान छुड़ा के, उसके बाद भी मारते मारते हमारे कईयों का सिर फट गया, कईयों का हाथ पे फ्रैक्चर हो गया, मेरे पैरों पे लगी, मेरे बैक पे लगी है। सिर्फ हम ओल्डर जो हमारे साथ एल्डर लोग थे 65-70 ईयर ओल्ड के, उनको भी नहीं छोड़ा, हम उनको बचाने के चक्कर में ही ये सब काम चलता रहा। वो मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है, बिकॉज लुधियाना के लिए ये ब्लैक डे ही कहूँगा मैं। आई थिंक ये 10-12 साल हमने बड़ी सिमिलर एक स्टोरी देखी थी रेस्टोरेंट में ही, एक क्लब में लुधियाना में, जब ऐसा कुछ हुआ था। और आई थिंक आज हम ये देख रहे हैं कि हम पावर का मिसयूज़, जिसको हम कहते हैं, आप मानोगे नहीं, FIR दर्ज हुई सुबह 9 बजे और अभी तक रात के 9 बजे हुए हैं। वो ऑफेंडर्स जो हैं वो फ्री घूम रहे हैं पूरे लुधियाना में और पुलिस ना उनको अरेस्ट कर रही है। और ये एग्जाम्पल जो सेट हो रहा है लुधियाना के लिए बहुत डेंजरस है कि कोई भी कुछ भी करके चले जाए और आई थिंक पब्लिक को ना पुलिस को फ़र्क पड़ता है और नोबडी केयर्स। यहाँ तक कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो उधर खड़ी हैं, ना उनकी चाबियाँ वो हमें दी हैं उन्होंने, 4-5 गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं और उनके टायर सारे पंक्चर कर दिए, उसको डैमेज कर दिया गया है। आई थिंक पुलिस को एटलीस्ट अपने जनता को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए तो ये तो करना ही पड़ेगा कि जो एक बेसिक स्टेप्स हैं, अगर आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है तो आपको बेसिक स्टेप्स फॉलो करके उनको अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ये अपील कर दें? मैं तो बहुत सिंपल अपील करता हूँ कि अगर जनता सारी इकट्ठे बोलेगी तो ऑटोमेटिक सी बात है कि पुलिस अपना जेन्युइन काम करेगी। अगर आवाज़ ही नहीं होगी और यही सेम चीज़ चलता रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके सर फटेंगे, जिनके हाथ फ्रैक्चर होंगे। सुरक्षित महसूस कर रहे हो? हाँ जी। सुरक्षित महसूस कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं जी। आप कैसे सुरक्षित महसूस करते हो? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम PSOs लेके साथ में घूमें पूरे टाइम, ठीक है ना, 4-4 गार्ड्स लेके घूमें। और घूमें भी क्यों, हमारा शहर है, पुलिस का काम है ये सेफ्टी महसूस कराना। अगर FIR लॉज हुई और उन्होंने नहीं पकड़ा तो ये मेरी नाकामी नहीं, उनकी है।